बीजेपी ने किन दो चुनावी राज्यों के लिए उम्मीदवारों की नई सूची जारी की। असम चुनाव में क्यों उठ रहा सीएम सोनोवाल की संपत्ति का मुद्दा। इसके साथ तमिलनाडु और केरल में चुनावी घमासान को लेकर क्या है अपडेट, हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 इलेक्शन रिपोर्ट। बंगाल और असम के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। बीजेपी ने असम के 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। असम के हेलाकांडी से मिलन दास, सिपाझार से परमानंद राजबोंगची और होजाई से रामकृष्ण घोष को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बंगाल के लिए 2 प्रत्याशियों की घोषणा की है। खड़गपुर सदर से हिरणमय चट्टोपाध्याय और बडजोड़ा से सुप्रीति चटर्जी को मैदान में उतारा है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की चल अचल संपत्ति 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद से 71% से अधिक बढ़ी है। हालांकि सोनोवाल ने कोई नई अचल संपत्ति नहीं खरीदी है। माजुली सीट से 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर सौंपे गए अपने हलफनामे में सोनोवाल ने 3.17 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति की घोषणा की है। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। ये लिस्ट दूसरे चरण के चुनाव के लिए है। इस लिस्ट में 26 उम्मीदवारों के नाम है। इसके अलावा असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मोहन प्रकाश और जयदेव जेना को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। असम विधानसभा चुनाव में AIUDF के मुखिया बदरुद्दीन अजमल के एक वीडियो से सियासी घमासान मचा हुआ है। अजमल का कहना है कि ये वीडियो फेक है। वीडियो में वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कहते हुए सुनाई देते हैं। 100% फेक है ये और ये झूठा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए AIADMK ने 171 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये सत्ताधारी AIADMK की दूसरी लिस्ट है। DMK ने AIADMK की लिस्ट पर निशाना साधा है। DMK नेता TKS इलांगोवन ने कहा है कि AIADMK ने फिर सभी सीटों पर भ्रष्ट नेताओं को टिकट दिया है। तमिलनाडु में AIADMK बीजेपी और PMK साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अभिनेता कमल हासन तमिलनाडु में DMDK को साथ चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। DMDK ने सीटों के बंटवारे पर नाराजगी के चलते AIADMK बीजेपी गठबंधन छोड़ दिया है। कमल हासन की पार्टी MNM 154 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इस बार फिर कन्नूर जिले की धर्मादम सीट से चुनाव लड़ेंगे। CPM ने बुधवार को 83 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 33 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिए गए हैं। इनमें 5 मंत्री और स्पीकर का भी नाम शामिल है। पार्टी की तरफ से 12 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। आपको बता दें लेफ्ट पार्टी पहली बार 2-टर्म नॉर्म लेकर आई है। केरल में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला ने चुनाव आयोग से CMP विजयन की आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की है। रमेश चेन्नीथला ने अपनी शिकायत में कहा कि पी विजयन ने 4 मार्च और 6 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की नई योजनाओं और नीतियों की घोषणा कर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। केरल से पार्टी के वरिष्ठ नेता PC चाको ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चाको केरल चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर नाराज थे। चाको ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि अब काम करना मुश्किल है क्योंकि केरल में पार्टी 2 धड़ों में काम कर रही है और यहां आपस में ही सभी ने सीटों को बांट लिया है।